हेलो एवरीवन, मैं संगीता की रसोई में आप सबका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ फ्रेंच फ्राइज। इसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, लेकिन अगर आप पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन करना और शेयर करना, ताकि आपकी जो भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुँच सके। तो मैं आज आपको फ्रेंच फ्राइज है वो बड़े ही इजी तरीके से बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये मैंने 4 आलू लिए हैं और 1 चम्मच ये मैदा है और 1 चम्मच मैंने अरारोट लिया है और नमक लिया है और लाल मिर्च लिया है। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं लिया, फ्राई करने के लिए तेल लिया है। तो सबसे पहले हम आलू को छील कर तैयार कर लेते हैं फटाफट, और छीलने के बाद इनको हम अलग अलग पीस के अंदर आपको काटना बता रही हूँ। उस तरीके से हम इनकी सेप से वो काट के तैयार करते हैं। ये काटने के लिए मैंने अपना कटर काम में लिया है। साइड से हम पहले थोड़ा सा इसको काट देते हैं ताकि हमारी जो 1-1 इंच की स्लिप बनती है वो एक जैसी बराबर बन सके। अब इस साइड से हमें जैसे भी पतले पीस, थोड़े मोटे पीस बनाने हैं उस तरीके के हम पीस काट के तैयार कर लेते हैं। बराबर बराबर पीस होने चाहिए ताकि आपकी फ्रेंच फ्राइज है अच्छी बढ़िया लगे, दिखने में बाजार जैसी लगे एकदम से। बच्चे इसको खा के बड़े खुश होते हैं। इस तरीके से हमें पहले सारे पीस बना लेने हैं। ये हमने बना लिए हैं। इनका एक कटर भी होता है, अगर आपके पास वो है तो आप उनसे भी काट के इसको तैयार कर सकते हो। इस तरीके से पहले मैंने ये सारे पीस है वो काट के तैयार करना है, और एक बाउल में है वो इनको हम पहले इनका जितना भी स्टार्च है वो इसके अंदर निकल जाए, इनको अच्छे से धो के और फिर हमें फ्राई करना है। तेल है वो फ्राई करने के लिए मैं गरम कर रही हूँ। अब हमारे सारे फ्रेंच फ्राइज है वो मैंने पानी में डाल के अच्छे से तैयार कर लिए हैं। सारे बराबर पीस कटते हैं अगर हम अच्छे तरीके से काटते हैं तो, इस तरीके के सारे पीसीज हैं वो बन के तैयार हो जाते हैं। इनको फ्राई करने से पहले एक तो इनका पानी निकाल के हम तैयार कर लेते हैं। उससे पहले हम एक बैटर बनाते हैं। बैटर के लिए इतने फ्राइज के लिए ये 1/4 कप चम्मच है वो मैंने मैदा लिया है, और ये 1 चम्मच है पूरा अरारोट का प्रयोग किया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इसका मैंने बैटर बनाना है बाहर पतला एकदम से। पहले हम थोड़ा गाढ़ा बना सकते हैं इसको, लेकिन बाद में बिल्कुल पानी जैसा बैटर बनाना है। इसमें एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से इसके गुठले हैं वो हमें ख़त्म करने हैं। ये देखिए बिल्कुल पानी जैसा बैटर है। ये अगर हम गाढ़ा रखते हैं, अब इसमें चावल वाला आटा भी डाल सकते हो, उससे भी ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। हमें एकदम क्रिस्पी बनाना है फ्रेंच फ्राइज, तो इसके लिए इस तरीके का ये बैटर है वो तैयार करना है पानी जैसा। और अब हमें इनके सारा पानी निकाल, आलू से बिल्कुल सारे पानी पूरा अच्छे तरीके से निकाल के और फिर इसमें डिप करना है। और डिप करने के बाद में हमें गरम तेल में डालना है ताकि हमारे अच्छे से ये फ्राई हो सके। अब हमें कढ़ाई के अंदर इनको छोड़ देते हैं।
अब आप देख सकते हो इनको, आप कितने भी डाल सकते हो एक साथ ये। अभी ये सारे के सारे आपके नीचे ही कढ़ाई में रहते हैं, मंदी एकदम कम गैस के ऊपर इनको फ्राई करते हैं। और इनको हाफ फ्राई करने के बाद में हम एक बार इनको निकाल लेते हैं। आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हो, अगर आपको 3 घंटे बाद इन ज़रूरत पड़ती है तो आप गर्म फ्राई फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आप हाफ फ्राई करके इनको रख सकते हो और फिर 3 मिनट वापस फ्राई करके और आप इनको निकाल सकते हो। देखिए सिकने के बाद है ना सारी की सारी हमारी फ्रेंच फ्राइज है वो तेल के ऊपर चिपकनी शुरू हो जाती है, और शुरू में हम डालते हैं तो वो सारी की सारी तेल में नीचे चिपक जाती है। अब ये ब्राउन कलर की हो गई है, अच्छे से सिक भी गई है। अब हम इनको निकाल लेते हैं अच्छे से, तेल इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, ये पहले मैं भगोने में डाल रही हूँ और आपको ये सुना रही हूँ कि ये इसे ये दिखा रही हूँ कि देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं मेरे, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। अब इनके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च लगा देती हूँ ताकि आपको खाने में काफ़ी, इनको इस तरीके से सारे मिक्स कर देती हूँ। देखिए हमारे फ्रेंच फ्राइज है कितने टेस्टी और एकदम कुरकुरे बने हैं। आप इनको 1 दिन 2 दिन रख के भी और उससे कर सकते हो, सेव कर सकते हो और फिर आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो ये बच्चों को काफ़ी पसंद होते हैं, बच्चे के लिए हल्का नाश्ता तैयार हो जाता है। इसलिए मेरे को मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी है कैसी लगी, आप ट्राई करना। और बच्चों को पसंद आई है नहीं आई है आप दूसरों के साथ शेयर करना, बच्चे इससे बहुत खुश होते हैं। थैंक यू एवरीवन।